हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आप भी गोश्त खा खा कर थक चुके हैं? तो चलिए आज बनाते हैं मूंग गोश्त, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इजी स्टेप्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। वीडियो मेरी स्टेप बाय स्टेप पूरी देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगी। इधर गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने एक कुकर चढ़ा दिया है और इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तेजपात, काली मिर्च डालेंगे, लौंग, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा। मसालों के नाम मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। ऑयल मेरा अब गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 तेज पात। इसके बाद हम डाल देंगे खड़े मसाले। गैस की फ्लेम हाई रखिएगा, मसाले मेरे चटकने लगेंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज लिया है और इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल पतली पतली मैंने इसको चॉप किया है। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मूंग दाल गोश्त बनता है, एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए प्याज मेरी हो गई है, देखिए लाइट गोल्डन हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम मैंने मटन लिया है, बोन वाला है ये, फ्रेश, और इसको वॉश कर लिया था मैंने। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसी हिसाब से आप मसाले को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो प्याज के साथ में पहले हम मटन को भून लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें पानी हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए मटन मेरा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे। अदरक लहसुन के साथ में भी हम इसको भुनाई करेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ना रहे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, वरना पानी नहीं डालेंगे तो मसाले हमारे जलने लगेंगे। वन एंड हाफ कप हम इसमें पानी डाल देंगे, आप अपने मटन के हिसाब से पानी डालिएगा। कुछ मटन जल्दी गल जाते हैं, कुछ देर में गलता है, तो उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। वैसे मैंने जितना पानी डाला ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी लीड कवर कर देंगे, 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अब इधर गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया, इसमें डाल देंगे छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। ये मैंने मूंग ले लिया है, खड़ी मूंग 250 ग्राम लिया है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिया था। अब इसको हम बस 1 से 2 मिनट इसको हम भून लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा। इससे ना इसमें बहुत ही अच्छा सा सोंधापन आ जाता है दाल में, बस इसीलिए है। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। दाल मेरी भुन गई है, अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे साइड कर देंगे हम। अब चलिए हम अपने मटन को देख लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था, बहुत पूरा हमको कुक नहीं करना है, 75% तक हमको मटन को कुक करना है, क्योंकि अभी हमें दाल के साथ इसे पकाना है। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए दाल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमें पानी कुछ कम लग रहा है, तो 1 कप पानी हम और डालेंगे और इसकी लीड हम कवर कर देंगे। 6 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब इस पॉइंट पे हम पानी इसमें डालेंगे और बॉयल पानी डालेंगे।
हल्के हल्के हाथों से इसे पुश कर दीजिए, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से मिल जाए। अब जितनी थिकनेस आपको चाहिए दाल की, उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल लीजिए। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे और ये मैंने 2 टेबल स्पून दूध और 2 टेबल स्पून हमने घर की फ्रेश मलाई लिया है, उसको डाल दोनों को मिलाकर अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, अलग से हम मलाई नहीं डाल रहे हैं, दूध में डाल के करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब थोड़ा सा पानी हम बाउल में डालकर इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे 4 से 5, इसको मैंने 20 से चॉप कर दिया है। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हम डालेंगे भुना कूटा जीरा। अभी सबको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमको 1 से 2 मिनट और कुक करना है हमें इसे दाल को, तो हम इसको कवर करके मतलब ऊपर से लीड लगा देंगे बस। ये देखिए पक गई है दाल मेरी। अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए गोश्त हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत ही सही गला है, बिल्कुल ऐसे ही हमको चाहिए। तो अब गैस की ऑफ कर देंगे। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। इधर हम तड़का बाउल चढ़ा दिए हमने गैस की फ्लेम ऑन करके। 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे प्योर घी। एक स्मॉल साइज की मैंने प्याज ले लिया है और उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा वो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। प्याज मेरी गोल्डन हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बहुत ही टेस्टी सी दाल बनकर तैयार हो गई है। देखने में लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसे रोटी और चपाती या चावल के साथ खाइए तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे प्याज धनिया। ये तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये मूंग गोश्त कैसी लगी। नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।